यार दिल से स्वागत है फिर से आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो भाई जब भी हम होटल पे जहाँ अपनी परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पे आ गए थे हम नाइट में, तो अभी यहाँ पे गाड़ी की सर्विस करवाएंगे फिर शाम को निकलेंगे। शाम को देखते हैं नेपाल भाई को और किसको भेजते हैं। मैं घर पे रुकने वाला हूँ। तो जो भाई नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। तो भाई अभी गाड़ी लगा दी सर्विस अड्डे पे क्योंकि धुलाएँगे, तो कल डीजल वगैरह निकला था तो थोड़ी गंदी भी हो रही है। और मेरे को ना नीचे के जो नट है रकाब वगैरह के बत्तों के उनको टाइट करना है, वो लूज हो रहे हैं, तो अभी करवाते हैं सर्विस। तो भाई ये लगा दी अपन ने और भाई ने कर दी स्टार्टिंग। और भाई आज नेपाल भाई अभी ना आया नहीं है। राम राम नेपाल भाई। कल तेरे को बहुत लोगों ने राम राम बोला है। चलो भाई मैंने आपकी राम राम नेपाल को दे दी। भाई नीचा से माटी निका तार दीजिए, नीचा निका मार दिया है। तो भाई अभी डीजल भी मरवाएंगे गाड़ी पे चिप्स वगैरह को। ए बत्था का नट चिप्स में लाग रहे रकाब, चिप्स वाले रकाब टाइट करने हैं क्योंकि वो हो रहे हैं लूज। और ये हमारे पुराने उस्ताद तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी ये होने लगी सर्विस लगभग कंप्लीट। और भाई लोगों ने पहले पीछे से साइडों से मिट्टी उतारी है, इधर तो हो गया कंप्लीट पूरा, वो साइड बची हुई है। क्यों वो खवाजी? हाँ अब खवास भी तो देख के कर रहे थे भैया। ये जो लगे हुए हैं ये वाले, ये भाई वैसे हेयर कटिंग की दुकान है इनकी, लेकिन अभी दीपावली के सीजन पे इन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर दिया। अब खवास जी भी तो कटिंग छोड़ रहा कर रहे थे। खवास कहीं पे मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ निकाल दे और आगे ले। तो भाई वो बोल रहा है पीछे वाले बम्पर में कुछ लगा हुआ है, तो पहले उसको चेक करते हैं। ओ ये इतना तेल किसका आ गया रे भाई, ये काला तेल कहाँ से आ रहा है? ज्ञानी जो तेल क्या को भी खैर दियो है मेरी में, और मेरी मन मार दी जो काका और बम्पर हो गो साफ है। अरे पानी से अच्छा। तो भाई इसी में बम्पर में नीचे से लगा हुआ है कुछ। और भाई ये होटल है सुरभि रेस्टोरेंट। हाँ अभी इसको एक दुकान हो। और भैया हमारे इस उस्ताद को बड़ी जल्दी है, कट जाएगा मान को तेरी खिंचाई। सो गई अपनी गाड़ी की हो गई सर्विस कंप्लीट।
अभी नेपाल इधर लगाएगा साइड में। तो आईडी है तो छह होगा आपकी पेटी यार, गाड़ी ले रहे हो आपके कश्मीर, कश्मीर गए जो अगला सीजन में तुम दफार को छे भी ले रहा है जो ही चक्कर में आप कौन जा रहे हो? बस अब खत्म, अब तो सूख कोई भर ले नेपाल पानी रहेगा यार, रुक जा। तो गाइस अभी मैं गाड़ी के नीचे घुसा हुआ हूँ और भाई मैं कर रहा हूँ नट टाइट, जो ये बर्थे में लगे हैं ये वाले, ये नट और ये रकाब भी टाइट करनी है। तो एक साइड से बाहर से तो खींचती है, इस साइड से नेपाल भाई खींच रहा है और नीचे से मैं खींच रहा हूँ। भाई इतना लूज है ना पूछो मत, क्योंकि मैंने एक बार ही सांगली में खींचे थे एक या दो बार, तो उसके बाद में टाइट नहीं किए। तो ये क्या है ना, अभी 5-7 महीने तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये लकड़ी नई होती है ना, ये वाली पत्ते वगैरह थोड़े गीले होते हैं, तो ये जैसे जैसे सूखते हैं ना नट वैसे वैसे अंदर धंसते जाता है, मतलब हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, एक दो चूड़ी टाइट होता है, बाकी इतना टाइट नहीं होता है। और भाई पसीना ऐसे आ रहा है जैसे अभी अभी नहाया हूँ। तो भाई उस साइड के तो कर दिया हमने, इस साइड के टाइट करने, बाकी ये रकाब के नट टाइट करने। सो मैं भी करूँगा ये वाले नट टाइट, रकाब वाले यहाँ से, तो इतना ज़्यादा ताकत तो नहीं लगती है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइट, अगर दो चूड़ी भी टाइट हो गई ना तो समझ लो टाइट हो जाता है ये। अभी गाड़ी में वजन है पूरा, इसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत जैसे जगह होती है ना गैप होता है हल्का फुल्का भी, तो वजन आता है तो पूरा भत्ता यहाँ से पूरा बैठ जाता है, तो अभी टाइट कर देंगे तो वो वापस ऊपर नहीं जा पाएगा, यहीं के यहीं सेट हो जाएगा। सो अभी इनको करते हैं टाइट। बाहर नेपाल लगा हुआ है, एक बार बाहर चलते हैं और देखते हैं नेपाल भाई क्या कर रहे हैं। ओ भैया, और भाई नेपाल भाई कर रहा है यहाँ पे टाइट। हाँ भैया कितने हो गए? मेरे पीछे पीछे बस रकाब रकाब बची है, बाकी नट कर दिया मैंने टाइट यहाँ तक। इस वाली सपोर्ट का नट टाइट करना है बस, पीछे हो गया। चाय पिएगा? चाय पिएगा? तो भाई अभी नेपाल भैया को पिलाते चाय, उससे ज़्यादा तो मेरे को लगी है चाय की, वो तो बोल रहा है अभी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी चाय पीते उसके बाद बचे हुए तो कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में, तभी चाय वगैरह पीते हैं। और भाई पसीना ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए चाय का ब्रेक लेना पड़ रहा है। रामू